Hey guys, welcome to Gate Smashers. This is Naina and I'm going to explain you how to calculate address of any element in single dimensional array. तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल, आपने मेरी वीडियोस को, मेरी टीचिंग को इतना अप्रिशिएट किया थ्रू योर कमेंट्स. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड करना है वन डायमेंशनल एरे के अंदर. ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि जो एरे है उसमें हम क्या करते हैं, रैंडम एक्सेस करते हैं. तो रैंडम एक्सेस मतलब हमने किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर लेना है. ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए क्या होगा, सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे थर्ड लोकेशन को एक्सेस करना है तो मुझे कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जो क्रॉस करने पड़ेंगे, टू एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रैंडम एक्सेस कैसे हो पाता है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में पड़े हैं मेमोरी के अंदर. ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करवा सकते हैं, रैंडम एक्सेस करवा सकते हैं. अब देखो इसका एड्रेस हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे लोकेशन नंबर टू का एड्रेस फाइंड करना है. राइट, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल एड्रेस क्या है, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस क्या है. जैसे कि हमने अब एड्रेस निकालना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसका बेस एड्रेस क्या है. तो इसका बेस एड्रेस हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 3000 से. क्योंकि हमने एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा. तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे 3000 प्लस हमने कितने एलिमेंट यहाँ पे क्रॉस किए हैं. तो यहाँ पे हमने कितने एलिमेंट किए, टू क्रॉस किए. यहाँ से भी हम ले सकते हैं, जो हमने लोकेशन फाइंड करनी है उससे भी हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि कितने एलिमेंट क्रॉस करने हैं, किसके केस में, जहाँ पे भी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू ले लेंगे, टू. ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो हर एक एलिमेंट है उसका यहाँ पे साइज क्या, अगर हमने इंटीजर का लिया है तो यहाँ पे देखो मैंने 2-2 बाइट के डिफरेंस में हर एक एलिमेंट लिया है, तो एक एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा, 2. तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने क्रॉस करने हैं 2 से. तो 3000 प्लस 4 क्या आ गया एड्रेस, 3004. तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या आ गया हमारे पास, 3004. राइट, अगर हमने इस लोकेशन का A3 का एड्रेस फाउंड करना है, बेस एड्रेस हमारा क्या होगा, 3000 प्लस हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस करने हैं, 1, 2, 3. ठीक है, उसके बाद साइज हमने क्या लिया, 2 लिया हर एक एलिमेंट का. तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू, 3006. तो इस वाले लोकेशन की A3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3006. राइट, अगर हम बात करें इंडेक्स हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से. देखो डाटा स्ट्रक्चर जो है किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको दोनों केस लेके यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए हैं. एक 0 से भी स्टार्ट करके बता रही हूँ और इसको 1 से भी स्टार्ट करके बता रही हूँ. राइट, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हम मैंने यहाँ पे A2 लोकेशन की एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इसका बेस एड्रेस क्या है हमारे पास, 3000 प्लस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस करने हैं हमने यहाँ पे, 1 एलिमेंट हमें यहाँ पे क्रॉस करने हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और एक एलिमेंट का साइज क्या है यहाँ पे, 2 बाइट. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी लोकेशन, 3002. तो हमने इसी लोकेशन का फाइंड करना था, ये क्या आ गया हमारे पास, 3002. तो ये तो हमने यहाँ पे निकाल ली वैल्यू. अगर हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, जैसे कि हमने ith लोकेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारा जो बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस आपको पता है जहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस हो जाएगा. उसके बाद ith लोकेशन, ठीक है, ith लोकेशन. अब देखो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे साइज से मल्टीप्लाई करना है, और इन केस ऑफ जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है
वन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वन से स्टार्ट हो रहा है तो बी ए प्लस आई माइनस वन इंटू एस। एस यहाँ पे क्या है हमारा, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। बी ए मतलब बेस एड्रेस, राइट। तो इसको एक जनरल हम फॉर्मूला बना देते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, चाहे वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो वन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे हमें क्वेश्चन में कोई भी लोअर बाउंड दे रखा है, आपको पता है कि ये हमारा क्या है लोअर बाउंड और ये हमारा क्या है अपर बाउंड। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हमने कोई आयत लोकेशन निकालनी है, हमें एग्जाम में दे रखा है और हमें यहाँ पे बेस एड्रेस दे रखा होगा कोई भी, प्लस में अगर हम कर दें आई लोकेशन निकालनी है हमने जो, वो उसके बाद लोअर बाउंड चाहे वो जीरो है चाहे वो वन है, मल्टीप्लाई उसका साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इस वाले एरे का लोअर बाउंड क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एरे नेम एग्जाम में जिस तरीके से दे रखा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लोअर बाउंड, ये क्या हो जाएगा हमारा अपर बाउंड, यहाँ पे क्या है फोर, ये क्या हो जाएगा अपर बाउंड। और इन केस ऑफ जब हमारा एरे वन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एरे नेम लोअर बाउंड क्या है हमारा वन और अपर बाउंड यहाँ पे हमारा क्या है फाइव, यहाँ क्या आ जाएगा फाइव। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कई कई बार ऐसे माइनस में भी आ जाता है, जैसे कि एरे का नेम है ए, यहाँ पे हमें दे दिया माइनस थ्री, यहाँ दे दिया हमें फोर, तो लोअर बाउंड हमारा क्या है यहाँ पे माइनस थ्री और ये क्या हमारा अपर बाउंड। तो इसका एरे कैसे बनेगा, बेस एड्रेस भी हमें यहाँ पे दे रखा होगा माइनस थ्री से, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड फोर, इस तरीके से हमारा एरे बनेगा, ठीक है। अब जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।